हाय, मेरा नाम कामना चुबर है। मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ एंड मैं आपके सामने लेकर आई हूँ नेक्स्ट एपिसोड हमारी रिलेशनशिप सीरीज में ओनली माय हेल्थ के साथ, जिसमें आज हम बात करेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है दैट योर पार्टनर इज नॉट वेरी सीरियसली इंटू यू। कई चीजें होती हैं जिनको हम दरगुजर कर जाते हैं, हम इग्नोर कर जाते हैं। हम सोच रहे होते हैं कि क्योंकि हम इतने कमिटेड हैं अपने रिलेशनशिप में, हमारी तरफ से इतना एफर्ट जा रहा है, इट्स द सेम इवन फॉर माय पार्टनर। व्हाट वी डोंट रियलाइज इज दैट समटाइम्स देयर आर सम साइंस, सम इंडिकेटर्स जो आपको बता सकते हैं कि हो सकता है आपके पार्टनर और आप सेम पेज पे नहीं है रिलेशनशिप में। टू इंश्योर कि आप ज़्यादा डिसअपॉइंटेड ना हो, आपके लिए ज़रूरी है कि आप इन साइंस के बारे में अवेयर हों, इनको समझ सकें और इंश्योर कर सकें कि आप अपने रिलेशनशिप पे काम कर सकें अगर ये साइंस आपको नज़र आ रहे हैं। सिंपल चीज़ें होती हैं, मानिए जैसे अगर आप और आपके पार्टनर में एक अंतर है जिस तरह से आप लोग प्लानिंग करते हैं, सारी प्लानिंग आपके शोल्डर्स पे आती है, उनकी तरफ से इनिशिएटिव नहीं है, वो एक साइन हो सकता है। साथ ही में आपके पार्टनर आपसे कितना शेयर कर रहे हैं, कितनी इन्फॉर्मेशन आपसे डिस्कस कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है बताने के लिए कि वो आपको कितना अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मानते हैं। इसके साथ कॉन्करेंटली एक और साइन जो आता है वो ये है कि क्या वो आपको अपनी ज़िंदगी के और पहलुओं का हिस्सा बना रहे हैं या नहीं। उनके इंटरेस्ट्स क्या हैं, उनके हॉबीज़ क्या हैं, किन लोगों से वो मिलते हैं, उनके जो फैमिली के बाकी लोग हैं उनके साथ आपका तालमेल है, उनके साथ आपका मिलना जुलना है या नहीं, क्या आप उनकी एक्टिविटीज़ का एक हिस्सा बन पा रहे हैं या नहीं, दिस कैन बी अ वेरी बिग इंडिकेटर एज वेल। दी अदर एस्पेक्ट इज कि क्या वो आपकी लाइफ में इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं। इफ़ योर पार्टनर इज नॉट टेकिंग एन एक्टिव इंटरेस्ट इन यू, इन वॉट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ, ये कहीं पे इंडिकेट कर सकता है दैट मे बी उनकी तरफ से इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है जितना आप अपनी तरफ से दिखा रहे हो। कॉन्करेंटली इज ही समवन और शी समवन हु इज सेंसिटिव टू व्हाट योर नीड्स आर, क्या वो कोशिश करते हैं कि आपकी तरफ अपना झुकाव बना के रखें, आपकी जो नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, डिज़ायर्स हैं, विशेज़ हैं, उनको वो फुलफिल करें या नहीं। अगर इन चीज़ों पे वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये काफ़ी बड़े इंडिकेटर्स हैं कि चीज़ें शायद सही डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं। यू मस्ट टेक स्टॉक, आपको इवेल्युएट करना चाहिए, असेस करना चाहिए कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, क्या आप दोनों इकट्ठे कर सकते हैं जिससे कि आप वापस उस सेम पेज पे आएं जहाँ पे आप म्यूचुअली चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। क्योंकि बहुत ज़रूरी है किसी भी रिलेशनशिप को स्ट्रांग बना के रखने के लिए उस पर काम करना, और इस काम करने के लिए आप दोनों को इकट्ठे इसमें एफर्ट लगाना पड़ेगा। बट आप ये नहीं कर पाएंगे अगर आपको पता ही नहीं चलेगा कि शायद कहीं पे कोई गैप्स आ रहे हैं। सो इन गैप्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। सो अपनी तरफ से एफर्ट करें कि आप इन गैप्स को आइडेंटिफाई कर सकें और आगे बढ़ सकें टू इंश्योर दैट आपका रिलेशनशिप अच्छे से चलेगा।